हेलो साथियों, नमस्कार, जैन। तो साथियों, चैनल में आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम दो मुद्दे पर बात करेंगे। एक तो ये कि जो अपना जो सुप्रीम कोर्ट केस चल रहा है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम वाले बच्चों का, और जो अपना एयरफोर्स एनरोलमेंट का, और एक बात करेंगे दूसरा कि आने के अभी जो ARO झुंझुनू में जो भर्ती थी, अब ठीक है, पहले उसकी डेट कुछ अलग थी और अभी उस डेट को थोड़ा बदल दिया है, और जो अपना ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर उसका जो अपडेशन आ गया है उसकी डेट अभी ये बताता हूँ मैं। पहले जो ARO झुंझुनू की जो भर्ती थी दोस्तों, वो थी पहले 13 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर के बीच में, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये, लेकिन अभी इसको बदल दिया है, उसमें एक नोटिफिकेशन निकाल दिया है इसका 15 जुलाई को। तो जो अभी जो ARO की भर्ती होगी झुंझुनू की बीकानेर में, इसकी जो अभी जो लेटेस्ट डेट है वो है 4 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर, यानी इसको बदल दिया गया है। किसी कारणवश वहाँ पर भर्ती को वो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए, इसलिए इसका डेट चेंज कर दिया गया है। तो ठीक है, तो थोड़ा उन बच्चों का जिनका, और अभी उसमें करीबन 15 दिन का टाइम मिल जाएगा जो बच्चे इस ARO के अंतर्गत, यानी बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, ठीक है, उसके बाद हनुमानगढ़ और झुंझुनू, इन डिस्ट्रिक्टों की यहाँ पर भर्ती होने वाली है। अब ये भर्ती ARO झुंझुनू के अंतर्गत बीकानेर में होगी। तो ये तो थी इसकी एक अपडेट खबर। अभी बात करेंगे दोस्तों दूसरा, जो आपकी 15 जुलाई को आप लोगों की जो सुनवाई होने वाली थी सुप्रीम कोर्ट में, तो इसमें अभी बच्चे देखो यहाँ पर बच्चों का जो मन है बहुत एक नरम होता है, कहूँ या कच्ची मिट्टी की तरह होता है, यानी कि उनको जो एंगल दे दिया जाए कच्ची मिट्टी को, वो वही रुख धारण कर लेती है। तो बच्चे भी हमारे सेम ऐसे होते हैं, यानी वो कहीं से भी जैसा सुनते हैं देखते हैं उसी चीज़ को समझ लेते हैं। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ, वो ज़्यादा डिमोटिवेट ना हो और परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट हो इंडिया का, उनमें होता रहता है, थोड़ा सा आगे पीछे होता रहता है और थोड़ा सा इनमें वक्त लगता ही है, ठीक है। मैं पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था तो उसमें काफ़ी बच्चे बुरा भी मान गए थे मेरा, तो मैं चलो कोई बात नहीं भाई, हम जैसा आप चाहोगे वैसा ही वीडियो बनाएंगे जैसा ही। तो अभी आपको दिखा दूँ, जैसे कि पहले इसमें जो डेट दी थी 15 तारीख का कंप्यूटर से जनरेटेड था, तो अभी आप जैसे देख पा रहे हो ये अभी तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, ये स्क्रीनशॉट अभी जस्ट थोड़ी देर पहले का ही मैंने लिया है, ठीक है। तो अभी भी इसमें कोई बदलाव नहीं है, आज शाम तक नहीं तो आज कल मॉर्निंग में 100% इसमें, यानी कि जो पहले जो डेट दिखा रहा था टेंटेटिवली 15 जुलाई, ऐसे ही एक नई डेट लिख करके आ जाएगी और उस दिन फिर इस केस की सुनवाई होगी, ठीक है। तो आप ज़्यादा चिंता भी ना करें और ज़्यादा घबराएं भी नहीं, फैसला आपके पक्ष में आएगा और 1000% आपके हक में ही फैसला आएगा और आप 100% केस जीतोगे भी। तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखने की दोस्तों ज़रूरत है, किसी के भी बहकावे में आकर या कोई भी ऐसा उल्टा पुल्टा ना सोचें या गलत काम ना करें। तो सारी वैसे तो अपडेट आपको रविंदर सर दे ही रहे हैं और बीच बीच में आपको यहाँ पर मैं भी आपको मोटिवेट करता रहता हूँ, ठीक है। तो इसमें चिंता करने की कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल भी चिंता आप ना करें और बहुत ही जल्दी आपके पक्ष में फैसला आ जाएगा। कभी कभी वो जज साहब हैं जो बेंच में बैठते हैं, दो जज साहब होते हैं, 3 जजों की बेंच होती है, तो किसी कारण कोई बीमार पड़ गया, मतलब कोई भी काम आ सकता है, तो उस वजह से वहाँ पर वो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। और फिर उस चीज़ को क्या होता है, जो उनका जो कोर्ट नंबर 4 है या कोई भी कोर्ट है मान लो, तो उस चीज़ को फिर उन्हें स्थगित करना पड़ता है और उसकी नई डेट देनी पड़ती है, और ऐसा आए दिन कोर्टों में होता ही रहता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें दोस्तों। तो इस चीज़ दो चीज़ आपको मैंने बतानी थी इस वीडियो में, एक तो झुंझुनू वाली बात और एक ये दोनों अपडेशन आपको दे दिया है। तो फिलहाल आप चिंता ना करें और ऐसे ही अपने आप को स्वस्थ रखें और मस्त रखें, और अपनी जो भी आपके जो तैयारी है खास करके एग्जाम वालों के बच्चों की, तो वो अपने एग्जाम की तैयारियां करते रहें, क्योंकि अचानक जब कोई आदेश आ जाएगा तो आपका एग्जाम भी होगा और उससे पहले होगा आप लोगों का मेडिकल। तो इसलिए आपको स्वस्थ रहने की और अपनी बॉडी को फिट रखने की भी ज़रूरत है कि आपकी बॉडी में कोई भी चोट या किसी प्रकार का कोई ऐसी आपके शरीर को कोई हानि ना पहुंचे, जिससे कि बाद में अगर आप मेडिकल के लिए बोले सरकार तो आप मेडिकल में अनफिट हो जाओ। तो इसलिए आपको स्वस्थ रखना भी जरूरी है और अपने घर वालों को भी प्रसन्न रखना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही, ये वीडियो आपको था मोटिवेशन के लिए, जिससे कि आप मोटिवेट होते रहें। तो फिलहाल इसमें इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत दोस्तों।